हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं जो कि स्टार्ट होंगे डू से, डी ओ डू। लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा डू अप। डू अप का मतलब होता है रिपेयर करना। जैसे मान लेते हैं कोई टीवी ख़राब हो गया तो उसको डू अप कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। कोई मशीनरी ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर कर देंगे, डू अप कर देंगे। इसी तरह से सुंदर करना भी डू अप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर देखते हैं एक ब्राइड है। ब्राइड का मतलब दुल्हन, इसकी शादी है। तो इसको ये कहाँ पे गई हुई है, मेकअप करवाने के लिए गई हुई है। और जो मेकअप आर्टिस्ट है ये क्या कर रही है, ब्राइड को डू अप कर रही है, यानी कि सजा रही है, सुंदर बना देना। सुंदर बनाने को डू अप करना बोलते हैं। ऐसी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डू ओवर। डू ओवर का मतलब होता है दोबारा करना। डू अगेन, डू ओवर का मतलब है दोबारा करना। जैसे कि मान लेते हैं ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया तो टीचर क्या कर रहे हैं, डू इट ओवर, इसको दोबारा से करके लाओ। तो होमवर्क ठीक से नहीं किया तो टीचर क्या कर रहे हैं, डू इट ओवर, यानी कि डू इट अगेन। तो डू ओवर का मतलब होता है दोबारा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डू इन। डू इन का मतलब होता है मार देना, जैसे किल करना, किलिंग। ये क्या कर रहा है, चाकू से इस आदमी को मार दिया इसने, सोचो, तो डू इन कर दिया। डू इन का मतलब होता है मार देना या मारना। डू गुड होता है किसी का भला करना, किसी का अच्छा करना। जैसे अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो इन रिटर्न इट विल डू यू गुड। इन रिटर्न इट विल डू यू गुड। डू गुड का मतलब भला होना, बढ़िया होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डू विदाउट। डू विदाउट होता है कि किसी के बिना मैनेज कर लेना, मैनेज विदाउट। जैसे वी विल डू विदाउट राम दिस टाइम, हम राम के बिना भी मैनेज कर लेंगे। जैसे कोई क्रिकेट टीम का मैच खेलना है और मान लेते हैं कि धोनी ने क्या कर रखा है, रेस्ट ले रखा है, तो विराट कोहली क्या बोलेगा, दिस टाइम वी विल डू विदाउट धोनी, यानी कि धोनी के बिना मैनेज करेंगे। तो डू विदाउट होता है किसी की एब्सेंस में भी मैनेज कर लेना, किसी के बिना भी मैनेज कर लेना। ऐसे लास्ट हमारे फ्रेजल वर्ब डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ छुटकारा पा लेना। जैसे लड़का है, ये सिगरेट पीता था मान लो पहले, लेकिन अभी क्या कर दिया, ये जूस पीना स्टार्ट कर चुका है, तो इसने सिगरेट पीने को डू अवे विद कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। डू अवे विद का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये हमने कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं डू से, रिवाइज कर लेते हैं। पहला है डू अप। डू अप का मतलब है रिपेयर करना, सुंदर बनाना। डू ओवर का मतलब फिर से करना। डू इन का मतलब किलिंग। डू गुड भला करना, बेहतर करना। डू विदाउट किसी के बिना मैनेज कर लेना। डू अवे विद कोई चीज़ छोड़ देना। बाकी हम फिर से करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।